मेरे साथ हो गया, कांड कैब लिया, मूड ऐसे ही आज ऑफ है। बस हमने पकड़ लिया, जो टूर था मेरा काठमांडू से पोखरा बिगड़ गया है। जो बीच वाली बस है ब्राउन वाली, ये हमारी बस, आगे कोई ब्रिज है वो टूट गया है, ये देखो पीछे तक पूरा जाम लगा है, और ये हमारी बस है, बस गई पानी में, बस बिल्कुल नाली में पड़ी है भाई यार, प्लेन जैसी सीट है। तो भाई ये है लग्जरी बस। मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी नई वीडियो में। मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ 7 बजे, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अब आज मैं जा रहा हूँ पोखरा, तो यहाँ से पहले मैं जाऊँगा बालाजू, कोई जगह है इधर, और वहाँ से हमारी सुपर लग्जरी बस है जो सोफ़ा बस बोलते हैं, वो लेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे पोखरा। तो चलो सीधा ही बस में चलते हैं। सो भाई सुबह सुबह मेरे साथ हो गया कांड, मतलब जाना था बालाजी करके कोई जगह है वहाँ पर, और मैं हो गया लेट, तो अब जा रहे दूसरी जगह। और अब मैंने कैब ली है, और कैब मुझे पड़ी है 700 NPR। तो कोई जगह इधर ढूंगिया का, नो जहाँ बस मिलेगा ढूंगिया का। ओके, तो भाई यही कोई जगह है, थोड़ा नाम लेने में प्रॉब्लम होता है इधर का। तो अभी वहीं जा रहे हैं, वहाँ से फिर बस पकड़ते हैं और फिर चलते हैं पोखरा। मतलब सुबह सुबह क्या क्या होगा मेरे साथ, एक तो सुबह उठा लेट, और लेट उठने के बाद आज ये हो गया। तो चलो फिर बस में ही चलते, थोड़ा मूड ऐसे ही आज ऑफ है, तो मिलते हैं बाद में। तो ये रास्ता है जो वहीं पर जा रहे हैं अभी, बीच बीच में इधर हिंदू टेंपल्स वगैरह है, मतलब काफ़ी टेंपल्स है इधर नेपाल के अंदर। बाकी जगह बहुत प्यारी है, मस्ट विजिट प्लेस है। सो चलो चलते हैं फिर। ये बस है, बस हमने पकड़ ली है। अब रिकॉर्ड में स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि एक तो मैं पहुंचा ही गलत जगह पे, तो बस मेरे को दूसरे रास्ते पे आधे रास्ते में जाके मिली। और ये है कुछ नेपाल के गांव जो काठमांडू से पोखरा जाते हुए पड़ते हैं। बस की आप टेंशन ना लो, बस मैं आपको दिखाऊँगा बट वीडियो के लास्ट में, क्योंकि इस जो टूर था मेरा काठमांडू से पोखरा जाने का, जो प्लान था पूरा बिगड़ गया है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो एंड तक वेट करना, एंड की उसमें आपको दिखेगा, एंड में आपको बस दिखाऊंगा। सो भाई बस वैसे तो कंफर्टेबल है, सीट भी कंफर्टेबल है, बट सबसे बड़ी यहाँ की जो गलती है ना इस बस की, वो क्या है कि इन्होंने लग्जरी बना दिया, सोफ़ा लगा दिया है, लेकिन लेग स्पेस बहुत ज़्यादा कम दे दिया, तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपको लेग स्पेस अच्छा मिले तो ही आप सोफ़ा बस आप बुक करना। तो अभी चल रहे हैं पोखरा, और ये कुछ गाँव हैं जो गांव बीच बीच में पक्के भी हैं रोड वगैरह। बाकी रोड कंडीशन अभी बहुत ख़राब आने वाली है, आगे आगे देखते रहो। बाकी वैसे तो नेपाल खूबसूरत तो है ही, पहाड़ी एरिया है। अभी बस हमारी रुकी है थोड़ा कुछ खाना पीना करने के लिए, और ये पास में ही कोई यहाँ पर नदी है, नदी का नाम मुझे पता नहीं है। बाकी यार जगह बहुत प्यारी लग रही है, आप खुद देखो यार कितनी सही जगह है ना ये, साथ में रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठ के आप खा सकते हो, चिल आउट कर सकते हो आराम से, है ना। तो बड़ी भाई जगह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है, ये देखो जूम करके दिखा रहा हूँ कितनी प्यारी जगह लग रही है। आप बोटिंग वगैरह राफ्टिंग वगैरह सब यहीं से होती है वैसे, जो मैंने सुना है लोगों से। तो बाकी जगह बहुत प्यारी है, अंत ही जगह है भाई अंत। और ये जगह है जहाँ पर हमारी बस रुकी है, और ये जो बीच वाली बस है ब्राउन वाली, ये हमारी बस है। चलते हैं आगे, और ये जो आपको जगह दिख रही है रास्ते में पड़ी है, एक ब्रिज है, नीचे नदी जा रही है। तो मतलब यार अंत जगह नेपाल, मैं तो कहता हूँ मस्ट विजिट जगह है, एक बार आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए नेपाल, नेपाल जैसी जगह नहीं मिलेगी आपको। और भाई जो ये मैंने सोफ़ा बस करी है ना, ये मेरे को टोटल पड़ी है 1500 NPR में, मतलब इंडिया के लगा लो तुम लोग वही 1000-1200 रुपये शायद, जहाँ तक मतलब कैलकुलेट नहीं करके बता रहा, वैसे ही बता रहा हूँ। और हालत हो चुकी है ख़राब, इस वजह से मैं कह रहा था कि रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, आगे कोई ब्रिज है वो टूट गया है, इस वजह से देखो कितना लंबा जाम लग चुका है। ये वाली हमारी बस है जो सोफ़ा बस है हमारी, और देख गाड़ियाँ देख रहे हो तुम कैसी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर यार, मतलब सही है वैसे तो यार, इंडिया में मैंने देखी नहीं वैसे ऐसी गाड़ी, यहीं पर देखी है जो देखी है मैंने। तो भाई देख रहे हो क्या हालत हो चुकी है, पूरा जाम लगा है देखो, ये देखो पीछे तक पूरा जाम लगा है, बस हमारी यहाँ खड़ी है, ये पास से बस दिखा रहा हूँ, और पीछे देखो थोड़ा जूम करूँ, ये देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो पीछे कितना, ये तो आधा ही दिखाया मैंने। और ये हमारी बस है VIPAC पोखरा जगदम्बा ट्रेवल्स के नाम से, बस नॉर्मल है बाहर से लेकिन अंदर से लग्जरी है। और चलो शुक्र है भाई अब हमारी बस चल चुकी है, तो शायद पुल आगे ठीक कर दिया होगा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि इधर जो ये एक्सपेंड का काम चल रहा है ना, रोड एक्सपेंड का, तो ये चाइना कर रही है। तो भैया चाइना का काम तो तुम लोगों को पता है, चला तो सालों साल, ना चला तो नहीं चला। तो भाई ये चलो शुक्र है बस तो हमारी चल चुकी है, और
काम चल रहा है, इस वजह से रोड पे इतनी वो दिखा रखी है, ये ख़राब कंडीशन हो रखी है रोड की, आप खुद देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। तो भाई मैं तो सजेस्ट करूँगा काठमांडू से अगर पोखरा जाना है तो इंडिया के 2500 और नेपाल के 4000 NPR लगेंगे, अपना छोटी फ्लाइट है, फ्लाइट करो और 25 मिनट में पहुँच जाओ, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ आपको तरीका, बस से मत जाओ, बस से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे तक देखो कितना गंदा जाम लगा हुआ है, कितना लंबा जाम है, मेरे हिसाब से ना ना करते भी ये 5-10 किलोमीटर का जाम है पूरा का पूरा, बहुत बुरी हालत कर रखी है भाई रोड रोड की। तो ऐसा भी नहीं है कि चल भाई थोड़ा आधा रोड कर दो पहले सही फिर आगे का कर दो, इन्होंने तो लपेट रखा है पूरा काठमांडू से लेके पोखरा तक पूरा A to Z लपेट रखा है भाई। तो भाई नया डायलॉग निकाल रहा हूँ मैं, बस गई पानी में। आप खुद देख लो आप लोग यार रोड कंडीशन कितनी ज़्यादा बेकार है इस टाइम, पोखरा से काठमांडू से पोखरा जाने वाली बस बिल्कुल नाली में पड़ी है भाई, एक तरफ लेटा मार रखे, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कुछ जुगाड़बाजी कर रहे हैं, कुछ गाड़ के शायद इस बस को सीधा करेंगे, देखते क्या होता है। बाकी भाई देख के आना, मैं फिर कह रहा हूँ सबसे बेस्ट है अपना छोटी फ्लाइट है 2500 रुपये की, वो पकड़ के सीधा पोखरा पहुँच जाओ, बाई रोड जाने से तो अच्छा ही है। और भाई ये देखो ये है सोफ़ा, बस ये देखो लेग स्पेस में ये दिक्कत होती है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि भाई बाई रोड तो बिल्कुल मत आओ, 5-6 साल लगेंगे, मतलब 5-6 साल इस रोड को बनने में लगेंगे भाई, तो मत आओ बस से अपना फ्लाइट पकड़ो और आ जाओ। और नदी देखो भाई, नदी कितनी बड़ी नदी है। तो भाई अभी इस पुल से जाते हैं और पोखरा पहुँचने ही वाले हैं, बस हम सुबह 7 बजे के चले हुए, अब जाके पहुँचेंगे हम, अभी भी बहुत दूर है भाई, रात ही हो जाएगी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना 8 बजे जाएंगे। और नदी देखो कितनी बड़ी है भाई, वाह मतलब यार अंती है इस नदियों पूरे में, अगर जब पानी होता होगा तो यार ये कितनी अच्छी लगती होगी ना। तो भाई वैसे तो पोखरा नज़ारे देखने तो बस से तुम आ सकते हो भाई रोड आ सकते हो, लेकिन भाई देखो अगर तुम्हें रोड कंडीशन से बचना है तो फ्लाइट बेस्ट है, बाकी मैं तो भाई इस फ्लाइट ही सजेस्ट करूँगा बस से, चाहे वो सोफ़ा बस हो चाहे कोई भी हो। और भाई रात हो चुकी है, बस के अंदर देख लो लाइट जल चुकी है, ये रात का नज़ारा है बस का, तो लग्जरी सी फील अब आई है, बिल्कुल अब लग्जरी फील आई है, इसमें अंग्रेज भी बैठे हैं, लोकल भी बैठे हैं नेपाल के। और पोखरा के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी, बस कुछ ही दूर और 10 मिनट के अंदर अंदर बस स्टैंड आ जाएगा, फिर हम वहाँ से उतर के चलेंगे अपने हॉस्टल की तरफ, और वो नज़ारा भी देखा, चलो अब बस दिखाता हूँ अंदर से। तो भाई ये है लग्जरी बस जो मैंने आपको दिखाई थी, सोफ़ा बस जिसे बोलते हैं, सीट देख रहे हो ये सीट है यहाँ की, इसलिए इसको सोफ़ा बस बोला जाता है। ये देखो यार प्लेन जैसी सीट है, कम्फर्टेबल है बट लेग स्पेस बहुत कम है, बाकी यही है। तो भाई ये है हमारी बस, ये दिखा दिया आपको सोफ़ा बस जो थी 1500 NPR में उतरी थी, कंफर्टेबल थी बट लेग स्पेस बिल्कुल भी नहीं था इस बस में। तो ये थी काठमांडू से पोखरा जाने वाली वीडियो, बस मैंने दिखा दिया है, मैं सॉरी बोलता हूँ कि कुछ वीडियोज़ ऐसी थी मेरी जो मैंने बस के अंदर की बनाई थी वो करप्ट हो गई, डिलीट हो गई, तो उस वजह से मुझे माफ़ करना, आगे से कोशिश करूँगा अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो अब मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।